केंद्र सरकार ने हिट एंड रन के लिए नए कानून को लागू कर दिया है। कानून लागू होने के बाद से ही इसका देश भर में विरोध हो रहा है। विदिशा जिले के कुरवाई पठारी गंज बासोदा में भी प्राइवेट बस ड्राइवरों में विरोध देखा जा रहा है। प्राइवेट बस चालकों ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 26 दिसंबर को लोकसभा में न्याय संहिता बिल पारित किया है उसका विरोध जताया है और इस बिल को वापस लेने की मांग की है। विदिशा कुरवाई पठारी गंज बासोदा में प्राइवेट बसों का चक्का जाम 1 जनवरी से शुरू हो गया है। चालकों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यूनियन इसका विरोध कर रही है क्योंकि इस बिल के लागू होने से देश भर के चालक बर्बाद हो जाएगा। इस बिल में यह प्रावधान किया है कि वाहन चालक द्वारा घायल व्यक्ति को अस्पताल तक इलाज के लिए पहुंचाना होगा। अगर वाहन चालक द्वारा घायल व्यक्ति को अस्पताल तक नहीं पहुंचाया तो वाहन चालक को 10 साल की सजा व 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। अगर घायल व्यक्ति की इलाज के बाद भी मृत्यु हो गई तो 7 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा। देश भर के चालक इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने से चालकों पर दोहरी मार पड़ेगी। विदिशा से आशीष सहल की रिपोर्ट। कारण हड़ताल का कुछ कह नहीं सकते सर, कब तक हड़ताल चलेगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और यहाँ से गंजबासोदा बस स्टैंड से करीब 50 बसें संचालित होती हैं, सिरोन, शमशाबाद, गुना, लटेरी, आरोन, भोपाल, इंदौर, तो बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यात्री बहुत परेशान हैं, इनमें कुछ मरीज भी हैं, वो भी आ जा नहीं पा रहे हैं और इससे बहुत सब समस्या में हैं। हमारे सारे ड्राइवर भाई यहाँ खड़े हुए हैं, सबको रोजगार की समस्या हो गई है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा है, सामान की बहुत समस्या हो रही, हर चीज़ की समस्या हो रही, तो बस मेरा निवेदन है कि बहुत जल्दी इसका निराकरण किया जाए। अधिकारियों से बात की लेकिन कोई दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि देशव्यापी हड़ताल है, पूरा भारत बंद है। सारे ड्राइवर भाई जो काले कानून के विरोध में खड़े हुए हैं तो उनकी समस्या का जब तक निराकरण नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि ये हड़ताल खत्म होगी। अनिश्चितकालीन हड़ताल है और इससे समस्याएं आप खुद देख रहे हैं कि सारी बसें खड़ी हुई हैं, पहिए जाम है, पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा है, आने जाने का सामान, रोज घर गृहस्थी का सामान, सब्जी नहीं आ पा रही है। जो हमारे अप डाउनर्स भाई हैं जो अपनी नौकरियों पर जाते हैं वो नहीं जा पा रहे हैं और लोग बहुत परेशान हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।